आदि किसान सभा के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर सिंचाई के लिए सरकारी नलकूप लगाए जाने को लेकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। आइए आपको भी दिखाते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष राधेश्याम यादव के नेतृत्व में ये सभी पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हुए ज्ञापन में बताया कि थाना गिरोह क्षेत्र के ग्राम नायकोट की तमाम जनता ने अनुरोध किया है कि आज़ादी के बाद से अब तक गांव में कोई भी सरकारी नलकूप नहीं है, जिससे किसानों को काफ़ी समस्या होती है। किसानों की 500 बीघा फसल है, पानी न पहुँचने के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान होता है और किसान काफ़ी दुखी है। किसानों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष ने सिंचाई के लिए सरकारी नलकूप लगाए जाने की जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए गुहार लगाई है और क्या कुछ कहा है यह भी जरा सुनिए। सरकारी महोदय को देने आए हैं, जैसा कि मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था कि हमारे प्रदेश को 200 सरकारी नलकूप सरकार ने मुहैया कराए हैं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे प्रदेश के लिए 200 सरकारी नलकूप मुहैया कराए हैं। इसके बाद हमारे घरौड़ क्षेत्र के ग्राम नायकूर में, जो घरौड़ क्षेत्र में आता है, वहाँ भारत की आज़ादी के बाद आज तक कोई सरकारी नलकूप नहीं लगा हुआ है और तकरीबन 500 या 600 बीघा जमीन आज भी किसानों की मां बंजर के रूप में पड़ी हुई है बगैर पानी की। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करने आए हैं कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मैनपुरी जनपद में कम से कम 10 नलकूप हर हालत में मुहैया कराए जाएँ और एक नलकूप नायकूर में घरौड़ तहसील में नायकूर एक गाँव पड़ता है उसमें लगवाया जाए, जिसमें 600 बीघा जमीन किसानों की बेकार पड़ी हुई है। तो इस उद्देश्य को लेकर के किसान सभा यहाँ पर पहुँची।